अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्बल एंड ब्यूटी रेमेडीज। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा फेशियल लेके आई हूँ, जिसे आप मिनी फेशियल कह सकते हैं। ये एक हर्बल तरीके से होगा जो आप घर में ही अपनी चीजों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पार्लर वगैरह में जब जाते हैं तो आप महंगे तरीन फेशियल करवाते हैं जो किसी की स्किन को सूट करते हैं और किसी की स्किन को सूट नहीं करते। तो इससे काफी स्किन पर पिंपल्स वगैरह भी निकल आते हैं केमिकल यूज करने से। तो आज मैं जो आपको फेशियल बताने वाला हूँ, ये आप अपने हर्बल चीजों से ही करेंगे। इससे आपको बहुत 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 ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपको पार्लर जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जो आप महंगा तरीन पार्लर में फेशियल करवाकर रिजल्ट हासिल करते हैं, वही आप अपने घर की चीजों से ही इस्तेमाल करके वैसा ही आप 100% रिजल्ट हासिल करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स आज हम फ्रूट फेशियल करेंगे, जो मैं अपनी हर रेमेडी में, हर चीज में, जो भी इसका फेस पैक क्लींजिंग और जो भी बनाऊंगी, मैं इसको संतरे को, मौसमी को यूज करके बनाऊंगी। इससे आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी और आपको बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट मिलेगा जैसा आप पार्लर में महंगे तरीन 1000-2000 वाले फेशियल करवाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें मौसमी का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड में हम ये चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे, राइस फ्लोर इस्तेमाल करेंगे और थर्ड पे हम दूध इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ स्टेप इसका मास्क का होगा, जिसमें हम मुल्तानी मिट्टी लेंगे। चलिए मैं फेशियल स्टार्ट करती हूँ और आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना जैसे मैं बताऊंगी आपको। अगर आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसी स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, ये हम इसमें हाफ मौसमी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला मरला क्लींजिंग का आता है, तो ये दूध है। दूध आपको पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। दूध आपकी स्किन को निखारता है। इसमें हम थोड़ा सा मौसमी का रस निकालेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कॉटन या कॉटन बर्ड्स किसी की मदद से भी हम इसे अपनी फेस की क्लींजिंग करेंगे। दूध आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा निखारेगा, आपकी डेड स्किन को ख़त्म कर देगा। तो हम इसे इसकी मदद से अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह इसकी क्लींजिंग करेंगे। मैं यहाँ पर अपने हैंड पर करके बताऊँगी। आपने इसके पूरे फेस पर, नेक पर अच्छी तरह क्लींजिंग करनी है। आप इसे अच्छी तरह पूरे फेस पर ऐसे अप्लाई कर लें और हल्के हल्के हाथ से आप इसकी क्लींजिंग करते रहें। आपने इसके 10 मिनट तक तकरीबन क्लींजिंग करनी है। इससे आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन से सारी डस्ट वगैरह खत्म हो जाएगी। दूध आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट करता है, सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। सो गाइस, इसे हमने 10 मिनट ऐसे मसाज करना है। थोड़ा थोड़ा ये दूध लेकर हल्के हल्के हाथ से मसाज करते रहे इसका। हमने 10 मिनट तक इसका मसाज करना है, तो मैं भी इसका 10 मिनट तक मसाज करती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने इसका 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक मसाज किया है, तो मैं अभी इसको आपको रिमूव करने का तरीका बताती हूँ। आपने भी इसे 10 मिनट तक इसका बिल्कुल स्लो मोशन में, स्लो हाथ से आपने इसका मसाज करना है और उसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा फेशियल पार्लर में करवाती हैं। और ये आपके बजट में रह के होने वाला है और इससे आपके बहुत कम बजट में और बहुत कम पैसों में आपका ये फेशियल हो जाएगा और 100% रिजल्ट देगा आपको। ये देखिए गाइस, अभी तो मैंने सिर्फ इसकी क्लींजिंग की है। ये देखिए, सेकंड हम इसका स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब के लिए हम इसमें चावल काटा इस्तेमाल करेंगे और स्क्रब बनाने के लिए हम इसका इसमें हाफ मौसमी इस्तेमाल करेंगे। मौसमी को हमने चावल के आटे में ऐसे डिप करना है। ऐसे डिप करने के बाद हमने अपने पूरे फेस पर, नेक पर आहिस्ता आहिस्ता इसका स्क्रब करना है। चावल का आटा का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपको पता है कि आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, ग्लो लाता है, व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को व्हाइट कर देता है। आपने ऐसे हल्के हल्के हाथ से आपने इसका स्क्रबिंग करनी है फेस पर और नेक पर। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहे इसका। आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसका मसाज करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली करना। आपने हार्ड हाथों से नहीं करना, ना इसको जल्दी जल्दी करना है, तेज तेज स्टेप में करना है। अगर आप तेज तेज करेंगे तो आपकी स्किन रैश कर जाएगी, आपकी स्किन पर रैशेज हो जाएंगे और आपकी स्किन पर दाने निकल आएंगे। तो आपने इसे बहुत स्लो स्लो मोशन में ऐसे करना है।
सो गाइस मैं आपको इसको 5 मिनट इसका मसाज करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ रिमूव करने के। मसाज करते वक्त अगर ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना ताकि इसका मौसम्मी का रस निकलता रहे, और साथ साथ आप उसी के ही मौसम्मी के रस से ही आप इसका मसाज करते रहे। ये आपको बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट होगी और बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसा आप फेशियल पॉलर वगैरह में फेशियल करवाते हैं। पॉलर वगैरह में तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, हर किसी का अफोर्डेबल नहीं होता। सो गाइस मैंने इसका मौसम्मी का और चावल के आटे का मैंने इसका 5 मिनट के लिए मसाज किया है, तो आपने भी इस 5 मिनट में से प्रॉपर पूरा टाइम देना है, और इसके बाद मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ इसके ऑसम रिजल्ट। ये फेशियल सिर्फ 3 चीजों पे 3 स्टेप पे ही होगा, इसलिए मैंने इसे मिनी फेशियल का नाम दिया है, और इसे आप जब करेंगे तो आपने भी इसे ऐसे ही जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपने इसे ऐसे ही करना है। ये देखिए गाइस आपके सामने रिजल्ट। थर्ड मरला हमारे पास मास्क आता है, मास्क मैं मुल्तानी मिट्टी से बनाऊंगी और वो मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। थर्ड स्टेप इसका मास्क आता है, मास्क मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है, आपने अपने फेस के मुताबिक ले लेनी है। इसमें हम थोड़ा सा मौसम्मी का रस ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून रस ऐड करने के बाद मैं इसको हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब दोनों चीज अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का आप इसका पाउडर ले लें, या इसे आप ऐसे ही ये लिक्विड फॉर्म में ले लें। तो मैंने इसे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में लिया, आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद हमने अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। इस मास्क को 15 मिनट के लिए लगा रहने देना, मुल्तानी मिट्टी के भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ये आपकी स्किन से ऑयल कंट्रोल करती है, आपकी एक्ने को कंट्रोल करती है, एक्ने को आने से रोकती है, और आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ग्लो लाती है, व्हाइटनिंग इफेक्ट लाती है। तो ये सो गाइस ये देखें मैंने इसे अप्लाई कर लिया, आपने भी इसे ऐसे ही अप्लाई करना और 15 मिनट के लिए छोड़ना है। 15 मिनट बाद हम इसे रिमूव करेंगे और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। ये फेशियल हमारा वैसा ही होने वाला है, वैसा ही रिजल्ट देने वाला है जो हम पार्लर से करा कर आते हैं। अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आया। इसका रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा आप पार्लर वगैरह में ही करवाते हैं, और इसका हमें 100% यकीन है कि ये हमारी घर की चीज़ों से ही और हर्बल चीज़ों से ही बना है, तो इसके हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे इसके। ये देखिए व्यूवर्स कितना ऑसम रिजल्ट आया। आपने इसे फेस पर ऐसे ही करना, मैंने तो आपको हाथ पे करके दिखाया, आपने अपने फेस पर, नेक पर और अपने हाथों पर ऐसे ही क्लींजिंग स्क्रब और मास्क लगाना है। सो गाइज उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हर्बल एंड ब्यूटी रेमेडीज को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वीडियो को आगे शेयर भी कर दे।